नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत करेंगे आज बेहद ही पॉजिटिव खबर के साथ और अच्छी खबर जो आपको इंस्पायर करेगी आगे के काम करने के लिए। जी हाँ, दरअसल देश की 8 दिव्यांगों की टीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर कमांड पोस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। दरअसल भारतीय सेना के विशेष बलों के दिग्गजों ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को शानदार सफलता दिलाई और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस दल को सेना के विशेष बलों के वेटरन की टीम ने प्रशिक्षित किया है और ऐसे में सैन्य प्रवक्ता ने बताया है कि 5 दिन के इस चुनौतीपूर्ण टास्क को 7 सितंबर को शुरू कर 11 सितंबर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और 60 किलोमीटर के बेहद मुश्किल सफर के साथ ही दिव्यांगों के दर ने 4,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। शारीरिक और मानसिक मजबूती की मिसाल बने दिव्यांगों के दल का हौसला देख भारतीय सेना के जवान भी काफी खुश हैं और प्रेरित हो रहे हैं। दरअसल 8 सदस्यीय दल को रोजाना 15 किलोमीटर चलना पड़ता था और सफर में दल का सामना ग्लेशियर की खाई नुमा बड़ी बड़ी दरारों, फौलाद सी सख्त बर्फीली सतह, बर्फीली पानी की धाराओं और पथरीले रास्ते पर खून जमा देने वाली ठंड से होता था। 15 किलोमीटर का फासला शाम 4 बजे से पहले पूरा करना होता था और ऐसे में बर्फीली हवाओं से गला सूखने लगता है। इसके बावजूद भी सीढ़ी, बर्फ और चलने में मददगार उपकरण और रस्सियों के साथ सियाचिन ग्लेशियर पर चलते हुए दल ने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती की अनोखी कसौटी थी जिस पर दल पूरी तरह से खरा उतरा है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब शपथ लेने जा रहे हैं। बता दें, इसको 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और खुद गृह मंत्री अमित शाह और इस शपथ समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। और आज बता दें 12:30 बजे अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे और उनके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि रविवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी गई थी। उन्हें बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और रेस में जरूर नितिन पटेल और मांडविया जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दाव चलाओ पाटीदार समुदाय से आए भूपेंद्र पटेल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में आज यानी कि 13 सितंबर से गुजरात में भूपेंद्र अध्याय शुरू होने जा रहा है। रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी को फिर जमीन से जुड़े नेता की जो तलाश थी वो तलाश भूपेंद्र पटेल पर आकर खत्म हो गई और अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं की सक्रिय भूमिका रहने वाली है। भूपेंद्र पटेल की बात करें तो वो पाटीदार समुदाय से आते हैं और वो कद्दावर पाटीदार हैं और ऐसे में बीजेपी ने उन्हें आगे कर एक साथ कई सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया है। साथ ही बता दें, पाटीदार को खुश किया जा सके इसलिए भी भूपेंद्र को गुजरात का CM बना दिया गया है। वर्तमान में वो घटौलिया सीट से विधायक रहे हैं जहां पर किसी जमाने में आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ा करती थी। कम समय में भूपेंद्र ने अपने क्षेत्र में ऐसी पकड़ बना ली कि सभी उन्हें वहां दादा कहकर बुलाते हैं और अब वही दादा गुजरात के सरदार बनकर सामने आ चुके हैं और इस ऐलान के बाद से ही भूपेंद्र पटेल की खुशी भी 7वें आसमान पर देखी जा सकती है। उन्होंने बता दें कि मंदिर में भी जाकर दर्शन किए और उनकी वहां पूजा अर्चना करते हुए वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, कई बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सभी को चौंका दिया। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। बता दें, भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं। भूपेंद्र पटेल ने CM के तौर पर अपने नाम का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का शुक्रिया अदा किया। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे से कम समय में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया।
गुजरात के अहमदाबाद के घाट लोधिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। भूपेंद्र पटेल साल 2017 में पहली बार ही विधायक बने हैं और चार साल गुजरते गुजरते बीजेपी आलाकमान ने उन्हें सीएम पद से नवाजा है। गुजरात से जितनी आश्चर्यजनक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विदाई रही, उतना ही चौंकाने वाला ये नाम रहा है भूपेंद्र पटेल का। मोदी शाह और नड्डा की अगुवाई वाली बीजेपी ने यहां सरप्राइज फैक्टर को बरकरार रखा। वो सरप्राइज फैक्टर को जो मोदी शाह ब्रांड बीजेपी की राजनीति का ट्रेडमार्क बना चुके हैं। दरअसल शनिवार को जब विजय रूपाणी ने कुर्सी छोड़ी तो उसी समय से कई नाम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे थे। कभी नितिन पटेल को विजय रूपाणी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था तो कभी चर्चा हो रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को गुजरात में बतौर सीएम नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। 24 घंटे में मीडिया, सोशल मीडिया और सियासत की गप्पों और कयासबाजियों में कई चेहरे सीएम पद की रेस के लिए उभरे। कभी कोई नाम आगे चल रहा था तो कभी किसी और के नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पद की रेस में 23वें घंटे में तो एक और नाम अचानक से सामने आ गया और ये नाम था रणछोड़ पालदू। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो जामनगर से विधायक भी रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी और अमित शाह ने ये जिम्मेदारी दे दी और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गढ़ गुजरात में सीएम पद की जिम्मेदारी दे दी है। उनका नाम दूर दूर तक इस चर्चा में नहीं था। हाँ, इतना तो तय है कि दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह का मैसेज लेकर अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में गए भूपेंद्र यादव को भूपेंद्र पटेल की इस ताजपोशी का अंदाजा जरूर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक फैसलों में अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह अपने निर्णयों में इतनी गोपनीयता रखते हैं, इसकी हवा तक भी मीडिया को नहीं लग पाती। इस तरह स्पीकर ओम बिरला की बात कर ली जाए तो जून 2019 में बीजेपी नेतृत्व ने राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को लोकसभा के नए स्पीकर पद की जिम्मेदारी दी थी। जुलाई 2021 में जब बीजेपी ने उत्तराखंड में नेतृत्व बदला, उस समय भी बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सीएम की रेस में कहीं भी नहीं थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने आश्चर्यजनक रूप से उनके नाम का ऐलान किया और इससे पहले यहां सीएम की रेस में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेता चल रहे थे। अगर कर्नाटक की बात कर ली जाए तो जुलाई 2021 में ही जब बीजेपी कर्नाटक में सीएम बदलने की बात आई तो एक बार फिर सरप्राइज फैक्टर सामने आया। यहाँ भी बीसी पाटिल, प्रहलाद जोशी, सिटी रवि जैसे नाम चल रहे थे, लेकिन नेतृत्व ने बसवराज बोमोई को सीएम पद की जिम्मेदारी दी। वहीं बीजेपी ने राज्य में विधायक दल की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विधायकों नेताओं की राय पर्यवेक्षकों ने जानी और इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद विजय रूपाणी की राय भी ली गई, लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत ब्रांड स्टेट के सीएम का नाम दिल्ली में ही तय कर रखा था और इसीलिए गुजरात में इस बदलाव की स्क्रिप्ट दिल्ली में ही लिखी गई, जिसका ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया गया और भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने, यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह जो सरप्राइज फैक्टर है वो उसको हमेशा बरकरार रखते हैं और यही हुआ गुजरात में। नाम किसी और के आगे चल रहे थे लेकिन अचानक से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसका नाम दूर दूर तक सामने नहीं आ रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। यूपी के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मसले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वरुण ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कई मांग उठाई हैं। सीएम को लिखा पत्र ट्वीट करते हुए यह उम्मीद जताई है कि भूमि पुत्रों की बात सुनी जाएगी। अपने पत्र में वरुण गांधी ने सीएम योगी से यह मांग की है कि गन्ने की कीमतों में अच्छा इजाफा किया जाए और वरुण गांधी की ओर से सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी में यह मांग भी की गई है कि गेहूं और धान की फसल पर बोनस का ऐलान करने के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए की सम्मान
राशि को दुगना कर 12,000 रुपए सालाना करने की मांग की गई है। उन्होंने इसके लिए 6,000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का सुझाव भी दिया है। ऐसे में वरुण गांधी ने अपने पत्र में ये कहा है कि पिछले दिनों उनके संसदीय क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और अपनी समस्याओं से अवगत उन्हें कराया था। ऐसे में वरुण गांधी ने अपने पत्र में किसानों की समस्याओं का जिक्र करने के साथ ही उनके समाधान को लेकर सुझाव भी दिए हैं। वहीं वरुण गांधी ने किसानों को डीजल के मूल्य पर कम से कम 20 रुपए की सब्सिडी देने की भी मांग की है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद सोमवार को एक बार फिर से तेज बारिश के आसार हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पूरे सप्ताह बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों के दौरान उत्तरी दिल्ली, गढ़ मुक्तेश्वर, बागपत, कैथल और रोहतक के अलग अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी तक इस सीजन में दिल्ली में 1133 मिलीमीटर बारिश हो गई है, और जबकि इससे पहले की बात करें तो 1975 में 1155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह की बारिश दिल्ली में पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर सकती है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। सुबह के समय सूरज की कड़ी तपिश रही, लेकिन दोपहर तक मौसम ने करवट ली और कुछ देर के लिए मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई और शाम तक बादलों ने डेरा डाले रखा, लेकिन बारिश नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 41.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक 0.8 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड रहा। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 37.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के अन्य मानक केंद्रों की बात की जाए तो पालम में 33, लोधी रोड पर 33, आई नगर में 32, गुरुग्राम में 30, नोएडा में 33 और मयूर विहार में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा रहा। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की संभावना है, और अगले दिन धूप की तपिश झेलनी भी पड़ सकती है। वहीं बुधवार से फिर मौसम करवट लेगा और लगातार 4 दिन तक बारिश हो सकती है, और एक दिन पहले ही दिल्ली में लगातार बारिश ने सितंबर में पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सितंबर में अभी तक 380 मिलीमीटर बारिश हुई है और इससे पहले का रिकॉर्ड 417 मिलीमीटर का है। पूरे सीजन में 121 साल में दूसरी बार सितंबर में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब देश के 6 राज्यों में 100% टीकाकरण पूरा हो चुका है। जी हां, पिछले महीने हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले ये कामयाबी मिली थी, लेकिन अब इस सूची में 5 और राज्यों के नाम शामिल हो चुके हैं। इन सभी 6 राज्यों में खुराक का 100% टीकाकरण पूरा हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ दूसरी खुराक आबादी को देनी बाकी है। ऐसे में रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर इन सभी राज्यों को बधाई देते हुए दुर्गम स्थानों पर भी सफलता हासिल करने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को श्रेय दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अलावा दादर और नागर हवेली, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और लक्षद्वीप को पहली खुराक का 100% टीकाकरण करने में कामयाबी मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 55.74, गोवा में 11.83, दादर नगर हवेली में 6.26, सिक्किम में 5.10 और लद्दाख में 1.97 लाख आबादी को वैक्सीनेशन की एक खुराक दी जा चुकी है। इनके अलावा लक्षद्वीप में कुल आबादी 5 लाख से ज्यादा है और ऐसे में उनको पहली खुराक दी जा चुकी है जिनकी आयु 18 साल या उससे ज्यादा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में सूची से और भी राज्य जुड़ने वाले हैं। वहीं जिन राज्यों में पहली खुराक का टीकाकरण पूरा हो चुका है, वहां इसी साल के अंत तक दूसरी खुराक का टीकाकरण भी पूरा हो जाएगा।
वहीं उत्तराखंड के लक्सर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा के 100% वैक्सीनेशन को लेकर लक्सर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हां, उसी क्रम में नव नियुक्त एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और एसडीएम लक्सर सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया और इस दौरान ग्राम प्रधान सहित गांवों के कई मौजूद लोगों को बुलाया गया और ऐसे में उनसे विचार विमर्श किया गया। वहीं एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता ने बताया कि गांव के मुख्य लोगों को बुलाकर और स्वास्थ्य विभाग के साथ विचार विमर्श किया गया है, ताकि जितना जल्दी हो सके 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और सभी को कोविड-19 वैक्सीन भी लगाई जा सके। को लेकर जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर सेंटर है PHC, इसके अलावा मोबाइल टीम भी हमारी घर पर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। सुल्तानपुर में थोड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर वैक्सीनेशन का नंबर है काफ़ी कम है, तो इस संबंध में यहाँ की जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई। यहाँ पर प्रधान जी हैं और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई कि क्या क्या इसमें समस्याएं और किस तरह से हम सब आपके सहयोग से अपने लोगों की जागरूकता फैलाकर जो हमारा नंबर है वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कर सकें। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब से नो एंट्री होगी। जी हां, हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी पर प्रवेश द्वारों पर एंटीक्लोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। जो भी व्यक्ति यानी कि शराब के नशे में पाया जाएगा उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हालांकि बता दें, पिछले दिनों से हर की पौड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद गंगा सभा ने ये व्यवस्था बनाई है। ऐसे में गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि हर की पौड़ी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। यानी कि एक अच्छी पहल जो है ये की गई है और ऐसे में जो नशे के आदि हैं और नशे करकर जो हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं उन्हें अब से नो एंट्री वहां पर लिख दिया गया है, उन्हें एंट्री हर की पौड़ी पर नहीं मिलेगी। हर की पौड़ी जो है हमारी सनातनी परंपरा और संस्कृति की आस्था का केंद्र है और हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए, हमारी स्थान की गरिमा किसी भी प्रकार भंग ना हो। साथ ही साथ हमने सुरक्षा के व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए HHMD जो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स भी अपने गार्डों को दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की वो प्रवेश द्वार पर ही जाँच कर सकें। और साथ ही साथ हमारे द्वारा एक सचल दस्ता भी बनाया जा रहा है जो कि हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ना सिर्फ जो शराब है उसकी जांच कर सकेंगे, जो स्थान की मर्यादा बनाए रखने के लिए और जो लोगों में जागरूकता स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो भी किए जाएंगे और जो अवैध रूप से जो घंटाघर और मालवीय द्वीप पे जो क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा है, जो बिना नगर निगम की अनुमति के जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि घंटाघर और मालवीय द्वीप का भी स्वरूप बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा देवी की कैलाश के लिए 31 अगस्त को घाट के करूर मंदिर से कई पड़ावों में अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हुए चलकर नंदा देवी की लोकजात मुंदोली से 12वें पड़ाव वाणा गांव पहुंची। वाणा गांव से 13वें पड़ाव गैरौली पाताल के लिए विदा कर दी गई है और ऐसे में मां नंदा देवी का ससुराल का क्षेत्र वाण गांव से ही शुरू हो जाता है। आज मुंदोली लोहाजन होते हुए रात्रि विश्राम वाण में होनी है और तमाम उत्तराखंड से तमाम शहरों से यहाँ पर तीर्थ यात्री आ रहे हैं और मैं सभी का अपने विकासखंड की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी माता मंगला जी के द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था और तमाम श्रद्धालुओं ने उन भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया है और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, हमें इस समय कोविड-19 का वक्त भी चल रहा है और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं आप
आस्था ये जो धार्मिक यात्रा हमारी है इसके साथ साथ आप निश्चित तौर पर कोविड-19 के नियमों का आप लोग पालन करेंगे ताकि धार्मिक यात्रा के साथ साथ हमारे लोग सुरक्षित भी रहें, ये कहना कि हम सबकी जिम्मेदारी है। ये नंदा देवी जो राजराजेश्वरी ये प्रसिद्ध लोक जात ऐतिहासिक विश्व स्तर पर जो लोक जात हो रही है पैदल पग यात्रा है, ये 360 किलोमीटर की पग यात्रा को हम सिद्धपीठ कुरूड से 31 अगस्त को प्रथम पड़ाव पर अपने चरमंग पहुँचे हुए थे और उसके बाद आज हमारा यहाँ पर जो अभी हम वर्तमान में वाण ग्राम पंचायत में हैं, यहाँ पे देवी का धर्म भाई वहाँ के लाटू के द्वारा देवी की अगुवाई करते हुए देवी को अपने ससुराल जैसे हिमालयन में मतलब बैदनी कुंड में कल देवी की पूजा नंदा सप्तमी अमुक्ता भरणी के दिन वहाँ पे भव्य पूजा आयोजन के बाद लोग सारे लोग जितने भी दर्शनार्थी हमारे आए हुए हैं ये अपने पितरों का वहाँ पे तर्पण और श्राद्ध के उपरांत देवी से आशीर्वाद लेने के बाद अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हुए जाएंगे। लोकजात यात्रा आज वाण में पहुँची हुई है अपना पूरे विभिन्न पड़ावों में आते हुए कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हुई है। जितने भी रास्ते हैं रास्तों को जहाँ जहाँ पे रिपेयर की आवश्यकता थी उन वहाँ पे रिपेयर करवाया गया है और बेदिनी की तरफ कम से कम लोगों को जाने का आग्रह किया गया है क्योंकि वहाँ पर अभी व्यवस्थाएं नहीं सुनिश्चित की जा सकी हैं। और मेरा सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपनी श्रद्धा को दिखाएँ और माँ नंदा देवी की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति अपने चरम पर है जहां कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगी है, वहीं बीजेपी चुपचाप कांग्रेस के इलाके में सेंधमारी करने में लगी हुई है। वहीं उत्तरकाशी जिले की सुरक्षित सीट पुरौला विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजकुमार दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में बीजेपी में शामिल हो गए, जहाँ राजकुमार पहले बीजेपी में ही थे और असंतुष्ट होकर कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे में उन्होंने घर वापसी कर ली है और इस मौके में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार ने नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यकर्ता पद अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मसूरी विधायक कबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने यह शपथ ली है कि वाले चुनाव में सबसे ज्यादा अंतराल से मसूरी विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी। पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 60 पार उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से ही की जाएगी। देखिए आज मसूरी विधानसभा के 150 चुने हुए कार्यकर्ता जो शक्ति केंद्र से लेकर हमारे महानगर के पदाधिकारी मंडल पदाधिकारी पार्षद मुख्य कार्यकर्ता ये कैटेगरी यहाँ बुलाई थी, इस प्रकार का उत्साह आज यहाँ देखने को मिला। मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2022 में जो 60+ का नारा हमारे नेतृत्व ने दिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और पिछले से दुगने अंतर से सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेंगे, ऐसा संकल्प आज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया है। उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए और इसी के साथ इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने माला पहनाकर सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कांग्रेस में शामिल होने वाले युवाओं का हिंदू वाहिनी और संघ से संबंध रहा है और ऐसे में पार्टी में युवाओं को शामिल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने खुशी जाहिर की और कहा कि इतनी संख्या में युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह युवा है।
और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।